अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम डॉक्टर उमर सैयद है और आप सभी का आपके इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं आयुष सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में, जिसमें मोस्टली जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आयुर्वेदा, यूनानी और होम्योपैथी में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जान लेते हैं हम आयुर्वेदा चिकित्सा जो पद्धति है उसके बारे में। तो दोस्तों, आयुर्वेदा जो है दो वर्ड से बना है, जिसमें पहला है वर्ड आयुर, आयुर का मतलब होता है लाइफ, और दूसरा वर्ड है वेदा, वेदा का मतलब होता है साइंस। यानी कि अगर हम दोनों वर्ड्स को मिला लें तो ये टोटल बनता है साइंस ऑफ लाइफ। और ये जो पद्धति है, ये नॉर्मली जो है 5000 साल पुरानी पद्धति है। आयुर्वेद मेडिसिन जो है काफी ज्यादा पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और इसका जो है अनुवाद काफी सारे जो है आपको वेदास में मिल जाएगा। तो आयुर्वेद का मानना है कि इंसान का जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है, जिसमें जो पहला तत्व है वो है अग्नि, दूसरा तत्व है वायु, तीसरा तत्व है जल, चौथा तत्व है आकाश, और पांचवा तत्व है वो है पृथ्वी। जो तत्वों को कहते हैं हम पंच महाभूत, जिसका जिक्र आयुर्वेद में आता है। इंसान के शरीर में जो नॉर्मली जो होता है 3 दोष होते हैं, जिसमें पहला दोष है वो है वात, आपके बॉडी के बायोलॉजिकल एक्शन को कंट्रोल करता है। दोष है पित्त, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तीसरा दोष है कफ, जो कि एक तरह से फ्लेगम या फिर जो है म्यूकस, जो कि आपके बॉडी को ग्रोथ को मेंटेन करता है। जो नॉर्मली 3 दोष इंसान के शरीर में होते हैं। और दोस्तों, ये जो 3 दोष होते हैं, इन्हीं के आधार पे जो है आपका जो 24 घंटे का दिन होता है उसके अंदर ये जो दोष है ये बटे हुए हैं। जो नॉर्मली सूर्य उगने के बाद और जो सूर्य ढलने से पहले के जो 1/3 हिस्सा होता है, उसमें जो है कफ दोष काफी ज्यादा जो होता है एक्टिव होता है। 1/3 दोष में पित्त जो दोष होता है उसका काफी ज्यादा डोमिनेंस होता है। दूसरा जो है 1/3 हिस्सा बचता है उसमें वात दोष का काफी ज्यादा डोमिनेंस होता है। हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होनी चाहिए वो इन दोषा के आधार पे ही होनी चाहिए। जैसे कि हमको कब सोना है, कब खाना है, तो उस आधार पे जो है हमें अपने दिनचर्या के जो भी हमारे काम होते हैं, जो भी हमारे खाना पीने का जो पैटर्न्स होता है, सोने का पैटर्न्स होता है, तो उस हिसाब से जो है हमें मेंटेन रखना पड़ता है। अगर इन 3ों दोष में अगर बैलेंस बिगड़ जाता है तभी जो है आपके शरीर के अंदर बीमारियों का आना चालू हो जाता है, और इसी से जो है पेशेंट को जो है फिर आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। आयुर्वेदिक सिस्टम के जो डॉक्टर्स होते हैं उसे हम कहते हैं वैद्य। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ये काफी ज्यादा पुरानी चिकित्सा पद्धति है, और इसको काफी ज्यादा ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह यूज किया जाता था पर्शियन और अरेबियन कुछ कंट्रीज में, जो कि पर्शिया जो कि आज के टाइम में आप ईरान देख सकते हैं, और अरेबियन जो कि मिडल ईस्ट कंट्री है। और इसका जो इजाद हुआ था नॉर्मली 11वीं सेंचुरी में हुआ था, और ट्रेडिशनल मेडिसिन को जिन्होंने इजाद किया था, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम था इब्न सिना। इब्न सिना जो है एक यूनानी सिस्टम मेडिसिन के बड़े स्कॉलर थे, और उनकी एक बुक है जिसको कहते हैं हम अल कानून, जो कि यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में बहुत ही अहम मानी जाती है। इसे जो है हम कैनन ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। इस बुक के अनुसार ह्यूमन बॉडी के जो होते हैं 4 ह्यूमर्स होते हैं, जिसे हम अखलात कहते हैं। और ये जो नॉर्मली 4 जो अखलात हैं, उसमें जो पहला है ब्लड, दूसरा है फ्लैगम, तीसरा है ब्लैक बाइल, और चौथा है येलो बाइल। और ये 4ों जो अखलाक होते हैं हर बॉडी में होते हैं, और इनका एक बैलेंस होता है, और इसके साथ में हर पेशेंट का एक खास टेम्परामेंट होता है जिसे हम मिजाज कहते हैं। तो जो पहला टेम्परामेंट है वो है हॉट टेम्परामेंट, दूसरा है मॉइस्ट टेम्परामेंट, तीसरा है ड्राई टेम्परामेंट, और चौथा है कूल टेम्परामेंट। इन्हीं टेम्परामेंट के आधार पे जो है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है बेस्ड है। इन 4ों में से जो भी मैंने आपको ह्यूमस बताए, अखलाक बताए हैं, इन 4ों में से कोई भी अखलाक पेशेंट के बॉडी के ऊपर हावी हो गया है या ज्यादा हो गया है, तो पेशेंट के अंदर जो है बीमारी का आना चालू हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में।
होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है तकरीबन 17वीं सदी में इसका इजाद हुआ था, और इसका जो डिस्कवरी करी थी उनका नाम था डॉक्टर सैमुअल हैनेमैन, जो खुद एक एलोपैथिक फिजिशियन थे। उस समय एक लॉ डिस्कवर किया कि एक रेमेडी खुद से पैदा की हुई बीमारी को ठीक कर सकती है। उन्होंने ऐसी 100 दवाइयों को ऐसे वॉलंटियर जो कि हेल्दी ह्यूमन थे उन्होंने उनके ऊपर जो है ट्राई किया। उसके बाद में जब वो पेशेंट को देखते थे और वो सिम्टम्स को मैच करके वो सेम दवा पेशेंट को दी जाती थी तो वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता था। ये प्रिंसिपल था सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटम, जो कि होम्योपैथी का प्रिंसिपल है, जिसमें सिम्टम्स के आधार पे जो है पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है। और आज भी जो है वो जो 100 दवा प्रूव की गई थी वो आज भी हम उसी तरह से यूज करते हैं। मेडिसिन का जो प्रिंसिपल है वो होता है सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटम, यानी कि जो पेशेंट के जो लक्षण होते हैं उनको मैच किया जाता है उन दवाइयों से, जिसमें पेशेंट के पूरे लक्षण मैच हो जाने के बाद में पेशेंट को दवाई दी जाती है। ये लक्षण पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स, उसके फिजिकल सिम्टम्स, उसके साथ में उसकी मॉडेलिटीज, यानी कि उसको किस चीज में जो है पेशेंट को आराम पड़ता है, किस चीज से उसका जो है सिम्टम जो है वर्स हो जाता है, बढ़ जाते हैं, और उसके जो कंस्टिट्यूशन है, उसके जितने भी माइजम्स हैं, उसको जो है मैच करने के बाद पेशेंट को जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। भारत में होम्योपैथी आई कब? भारत में जो है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन 19वीं सेंचुरी में आई। इसकी शुरुआत हुई महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से। महाराजा रणजीत सिंह को जो है वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस था और उसके साथ में उनके पैरों में काफी ज्यादा सूजन रहती थी, और उन्होंने काफी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो है ट्रीटमेंट ले लिए थे। उन्होंने एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन भी ट्राई करी थी और उसमें कोई उन्हें जो है सक्सेसफुल उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। जो है डॉक्टर जॉन मार्टिन होनेबर्गर, ये एक होम्योपैथ थे, उन्होंने एक दवाई दी जो थी डलका मारा, ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन थी। और इस मेडिसिन देने के बाद में राजा रणजीत सिंह का जो वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस था और पैर में जो सूजन थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और इससे जो खुश होते हुए महाराजा रणजीत सिंह ने उनको अपने जो है कोर्ट का एक चीफ फिजिशियन अपॉइंट कर दिया था। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में डॉक्टर जॉन मार्टिन जो है कोलकाता में शिफ्ट हो गए, उसके बाद में होम्योपैथी का प्रचलन वहां पे काफी ज्यादा बढ़ गया। तो इस तरह से जो है होम्योपैथी इंडिया में आई, और जैसे कि आप आज देख सकते हैं कि होम्योपैथी के डॉक्टर्स आपको हर स्टेट में आपको दिखाई देंगे। सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो ट्रेन डॉक्टर होते हैं उनकी डिग्री जो होती है नॉर्मली बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी की होती है, और इसको जो है गवर्न करती है सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, और उनके जो रेस्पेक्टेड स्टेट काउंसिल होते हैं जैसे कि के लिए महाराष्ट्र होम्योपैथिक काउंसिल, वैसे ही अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग काउंसिल और बोर्ड्स नियुक्त किए गए हैं सरकारों द्वारा। उनके में मैंने आपको आयुर्वेदा यूनानी और होम्योपैथी के बारे में बताने की कोशिश करी है, और होप करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और ज्यादा पसंद आया होगा तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर दीजिए, और दोस्तों मेरे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाजू में एक घंटी की बटन दबी हुई है उसे भी दबाना ना भूलें, आपके जो है इससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैं डॉक्टर उमर सैयद अब आपसे विदा लेता हूँ, थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।